हेलो एवरीवन। तो ये डाउट भी बहुत बच्चों का रहता है और ये मैंने एसएससी मेंस कैट आईबीपीएस एसबीआई डीयू जैट में लास्ट ईयर भी आया था। ऐसा मिलता जुलता क्वेश्चन मैंने उसका भी वीडियो बना रखा है। आई एम रोहतक में आया था, आई एम इंदौर में आया था। ये कॉन्सेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो, ये आप अगर लॉन्ग मेथड से करोगे तो आपके कम से कम 3-4 मिनट खा सकते हैं, और आप लॉजिकली करोगे तो शायद आप 10 से 15 सेकंड में कर पाओगे। तो मैं जो आपको मेथड सिखा रहा हूँ, 2-3 मिनट लूंगा, मैं तो आराम से ही पढ़ाऊंगा, लेकिन सीखने के बाद आप हार्डली 10 या 15 सेकंड में आप इजिली बिना पेन को हाथ लगाए ये क्वेश्चन कर सकते हैं। क्लास में तो मैं ये टॉपिक कराता हूँ, स्पेशल 2 दिन लेता हूँ, 1 दिन समझाता हूँ, फिर असाइनमेंट देता हूँ, फिर अगले दिन ऐसे असाइनमेंट के मिलते जुलते क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं डाउट लेता हूँ। एक क्वेश्चन उनमें से मैं आपको करा रहा हूँ। देखिए क्या है, एवरेज ऑफ 37 कॉन्सिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स इज 87। अगर मैं कहूं 37 ऑड इंटीजर्स है, मतलब टर्म वन पहला ऑड इंटीजर है, टर्म टू दूसरा ऑड इंटीजर है, पता नहीं है कहां से शुरू है, ये तो मैं आपको बताऊंगा ना, टर्म थ्री, ऐसे 37 लगातार है, लेकिन कहां से शुरू है अभी हमें ये नहीं पता। ऐसे चलते 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 कितने है बेटा, ये 37 है। तो मैंने आपको क्लासेस में क्या बताई हुई है, अगर लगातार ऑड इंटीजर्स हैं या इवन इंटीजर्स हैं या एपी में टर्म्स हैं, उनकी एवरेज की मैंने आपको 3-3 ट्रिक बता रखी हैं। एक एवरेज की ट्रिक होती है एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, एक मिडल टर्म है ना, एक एवरेज ऑफ कोरस्पॉन्डिंग टर्म, इतनी सारी ट्रिक्स बता रखी है। तो उनमें से हम मिडल टर्म वाला फंडा यूज करेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। अगर 37 टर्म्स है यानी कि ऑड टर्म्स है, तो मिडल टर्म एक सिंगल मिडल टर्म होगी, और उसके निकालने की ट्रिक क्या बताई थी, इस टर्म वैल्यू 37 प्लस टर्म वैल्यू 1, 37 प्लस 1 38 डिवाइडेड बाय 2 19, मतलब जो T19 होगा, टर्म 19 होगी, वो बिल्कुल मिडल में होगी, टर्म 19 बिल्कुल मिडल में होगी, जिसके 18 टर्म इधर होंगी और 18 टर्म इधर होगी और टर्म 19, और वही हमारी एवरेज होगी। और एवरेज आपको दिया कितना हुआ बोलो, 87। तो टर्म 19 की जो वैल्यू एक्चुअल में वो 87 है, और ये 37 टर्म्स की एवरेज भी है, क्योंकि ये 37 टर्म एक एपी में है, क्योंकि लगातार ऑड नंबर है तो दो दो के गैप पे है ना, ये 2 ऐड करेंगे T2 मिल जाएगा, फिर 2 ऐड करेंगे T3, ऑड नंबर्स के बीच में दो दो वैल्यू का गैप होता है ना। अब लेकिन हमसे क्या पूछा हुआ है, पढ़ो लास्ट लाइन, द हाईएस्ट ऑफ दीज इंटीजर्स इज, इन इंटीजर में हाईएस्ट इंटीजर मतलब टर्म 37 की वैल्यू निकालनी। तो बहुत ईजी है, आप एक बात सोचो, सपोज 3 टर्म होती T1 T2 और T3, अगर आपको T1 से T3 पे जाना होता तो कितने गैप कवर करके जाते, टर्म 1 से टर्म 2 एक गैप, टर्म 2 से टर्म 3 दो गैप। जो गैप्स निकालने होते हैं कैसे निकालते हैं, बस कुछ नहीं है, T1 और T3 के बीच में कितने गैप होंगे, तो 3 में से 1 गया डायरेक्ट 2 गैप्स होंगे, है ना, 1 गैप 2 गैप। अब मेरे को ये बताओ 19 टर्म और 37 टर्म में कितने गैप होंगे, आप 37 माइनस 19 18 गैप्स होंगे, और हर गैप कितने यूनिट वैल्यू का है, 2 यूनिट वैल्यू का है, क्यों, क्योंकि ऑड नंबर्स में दो दो का गैप होता है, तो 18 गैप और एक गैप की वैल्यू 2, तो 18 दुनी 36, 87 में 18 गैप या 18 दुनी 36 वैल्यू ऐड करके 87 और 36 को माइंड में ऐड कर दो तो 123, तो T37 की जो वैल्यू है वो 123 है। इसने पूछा हाईएस्ट ऑफ दीज इंटीजर्स, आंसर क्या आएगा आपका, 123। मैंने तो बहुत ही आराम से समझाया, जब आप एग्जाम में करोगे तो आप बिना पेन पेपर के माइंड में ही इसका आंसर सोच सकते हो, और ये बहुत बार आता है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, इसको अच्छे से कर लेना। और जो मैंने आपको असाइनमेंट दिया हुआ है क्लास में, ऐसे मिलते जुलते बहुत सारे क्वेश्चन है उसमें। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम, बाय।